गाइस आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमीर, आप देख रहे हैं मीशो ने मोबाइल रिपेयरिंग। गाइस मेरे पास एक एमआई का फ़ोन है, देख लीजिए एमआई रेडमी वाई वन शायद इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो स्पीकर का जो आवाज़ है बिल्कुल फट फटा सा आ रहा है, नहीं जब आप स्पीकर पर यानी आप ऑडियो या फिर वीडियो चलाते हैं अपने फ़ोन पर तो आवाज़ बिल्कुल जो है एकदम फटा हुआ सा मतलब सुनाई देता है, नहीं ऐसा लग रहा है कि स्पीकर जो फट चुका है। तो देखते हैं गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि विदाउट स्पीकर चेंज करे ही आप अपने फ़ोन को जो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, स्पीकर को बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक ऑडियो सुना कर पहले दिखाने वाला हूँ, यानी एक NCS का म्यूजिक है जो मैं यहाँ पे सुनाऊंगा, यानी कोई गाना वाना सुनाने से क्या था कॉपीराइट क्लेम आने का संभावना रहता है। तो देख लीजिए, देख लीजिए गाइस इस बात आप सुन सकते हैं। है ना, बिल्कुल आवाज़ जो है बिल्कुल फट रहा है, नहीं स्पीकर का जो आवाज़ ऐसा लग रहा है कि वो ख़राब हो चुका है। तो कभी कभार क्या होता है वो जो स्पीकर का सामने में एक नॉइस जो फिल्टर लगा रहता है, नहीं एक कपड़ा का जो एक ब्लैक कलर का एक पट्टी लगा रहता है स्पीकर के सामने में, उसमें अगर धूल या गर्द किसी तरह से चले जाता है आपके फ़ोन के अंदर पे तो 99% ऐसे ही प्रॉब्लम आता है इस फ़ोन पे, स्पीकर फटने जैसा आवाज़ का प्रॉब्लम आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं बिना स्पीकर चेंज करे। तो देख लीजिए, अगर स्पीकर फट जाता है तो फिर उस केसेस में आपको जो स्पीकर को चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कि अगर प्रॉब्लम क्या है, स्पीकर फटा है या फिर सिर्फ वो वाला जो फिल्टर है उसको क्लीन करने से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ को खोल दिया हूँ जैसे कि देख सकते हैं। और देख लीजिए गाइस एक ब्लैक कलर का आपको कपड़ा दिख रहा होगा स्पीकर के सामने में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो पर, देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्पीकर का जो सामने जो हमारा जो होल होता है गाइस उसके सामने में वो लगा रहता है वो कपड़ा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला कपड़ा देख लीजिए गाइस, इसको हम निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ और क्लीन करने के बाद मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। देख लीजिए मैं इसको जो निकाल दूँगा, देख लीजिए ये वाला जो फिल्टर जो लगा हुआ है हमारा इसको हम इस तरह से निकाल देते हैं। निकालने के बाद एक बार हम यहाँ पर ऑडियो बजा कर चेक करेंगे कि हमारे जो स्पीकर का आवाज़ है यानी साउंड है वो सही बज रहा है या फिर पहले जैसा ही बज रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ पहले म्यूजिक, एक म्यूजिक बजा के मैं आपको यूट्यूब से सुना देता हूँ और आप जो है आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं पहले किस तरह से बज रहा था और आप किस तरह से बज रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, आवाज़ जो है बिल्कुल क्लीन आ रहा है, है ना, आवाज़ बिल्कुल क्लीन आ रहा है। इस प्रॉब्लम को आप चाहे तो अपने हाथों से भी इसे रिपेयर कर सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन को जो है शॉप में भी ले जाकर जो है रिपेयर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस हमारा बताने का काम था, एक छोटा सा ट्रिक, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। अगर आप इसे रिपेयर सर्विस सेंटर ले जाते हैं गाइस तो आपसे 200 या 250 रुपये पे करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बिना पे के ही अपने फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हो। देख लीजिए, आप चाहे तो इसको जो है क्लीन करके दोबारा लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको जो है नहीं लगाने वाला, उसको मैं साइड में रख दिया हूँ। आप चाहे तो इससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो सारी चीज़ करने के बाद आप आसानी से अपने प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देख लीजिए विदाउट स्पीकर यानी बिना स्पीकर चेंज करते मतलब बिना स्पीकर चेंज करे ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो देख लीजिए रेडमी वाई वन है, तो ऐसा जो प्रॉब्लम है गाइस सिर्फ रेडमी पे नहीं, बहुत सारे फ़ोन पे जितने भी स्मार्टफोन हैं जितने भी मोबाइल है वो सारे फ़ोन पे एक ना एक दिन ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, वो 100% मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो धूल या मिट्टी जाने के वजह से होता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो एक लाइक ज़रूर करना।